नमो नमः। किसी भी इंटरव्यू में क्लास डेमो का अपना ही एक महत्व होता है। आप केवीएस का, एनवीएस का कहीं भी इंटरव्यू देने जाएं, आपसे कहा जाएगा कि आप कुछ पढ़ाकर दिखाइए। इस पर मैंने कुछ वीडियोस बनाए हैं, बीच बीच में कई आपको टिप्स भी दी हैं। आज की टिप है कि जब भी आप पढ़ाने के लिए उठे या इंटरव्यू शुरू हो आपका, तब से लेकर अब तक आप अपना फेस स्माइलिंग रखें, चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान रखें। ऐसा नहीं लगे कि आप टेंशन में हैं, घबरा रहे हैं, या बस डेमो देते समय कि आप जो याद करके आए हैं वो आपने बस फटाफट बोलना या शुरू कर दिया कि बस मेरा जल्दी से खत्म हो जाए। ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सहज रह करके नेचुरल टीचिंग करें। बोर्ड एंट्रीज आप जानते ही हैं, दिनांक लिखना है, कालांश लिखना है, विषय लिखना है, उप विषय बाद में लिखेंगे, पहले भूमिका बताने के बाद जब उन बच्चों को हम उस विषय पर ले आएंगे। तो आज का हमारा डेमो का विषय है समास। आज मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ कि समास कैसे आपको पढ़ाना है या उसका डेमो कैसे देना है। कुछ भी, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाने से पहले हमें भूमिका बांधनी होती है, प्रस्तावना देनी होती है। तो समास की प्रस्तावना कैसे देंगे? बच्चे अब तक संधि पढ़ चुके हैं, उन्हें संधि का ज्ञान है। तो हमारा प्रश्न यही होना चाहिए पहला कि बच्चों संधि किसे कहते हैं। कुछ बच्चे सही उत्तर देंगे, कुछ गलत देंगे। यानी कुछ कहेंगे कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं, या दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, या कुछ कह सकते हैं कि दो शब्दों के मेल को संधि कहते हैं। जब इस तरह के उत्तर आए कि किसी को कहना हाँ ठीक है, गलत है, तो आज मैं बताती हूँ कि समास किसे कहते हैं। समास दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं। समास का अर्थ है संक्षिप्तीकरण। दो शब्दों का मेल करके जो एक नया सार्थक शब्द बनता है वो होता है समास। तो आप जो भी टॉपिक पढ़ाएं, चाहे वो प्रत्यय है, उपसर्ग है, समास, संधि, जो भी पढ़ाएं, उसकी परिभाषा देना बहुत जरूरी है। तो हमने परिभाषा बता दी कि समास का अर्थ है संक्षिप्तीकरण, या दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं। फिर समास के भेद बता दो। दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं। समास के मुख्यतः चार भेद हैं। समास के भेद बताने हैं हमें। समास के मुख्यतः चार भेद हैं। कौन कौन से हैं वो? द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास और चौथा है बहुव्रीही समास। एक्सपर्ट के दिमाग में इतने में ही आ जाएगा कि द्विगु समास और कर्मधारय समास कहाँ गए। तो पूछेंगे कि क्या वो समास के अंतर्गत नहीं आते। तो यहाँ हम थोड़ा सा अपनी विद्वत्ता का मौका है हमारे पास कि सर, कुछ लोग मानते हैं कि समास के छह भेद हैं, द्विगु समास और कर्मधारय समास भी होते हैं, लेकिन वो तत्पुरुष समास का ही भेद माने जाते हैं। द्विगु समास और कर्मधारय समास को तत्पुरुष समास का ही भेद माना जाता है। तो इस तरह से कुछ लोग इनके छह भेद मानते हैं, कुछ चार भेद मानते हैं, लेकिन मुख्य रूप से समास के चार भेद हैं। आज मैं आपको द्वंद्व समास पढ़ाकर दिखाऊंगी। द्वंद्व समास, तो द्वंद्व समास पहला वाक्य इसके लिए रहेगा, द्वंद्व का अर्थ है जोड़ा, अर्थात जिस समास में दो या दो से अधिक शब्द हों, जैसे माता पिता, माता च पिता च, और या फिर गंगा यमुना सरस्वती। इसको बाद में मैं एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहले हम जानेंगे कि द्वंद्व समास में
जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं वह द्वंद समास होता है। अब आपके प्रश्न होने यहीं से शुरू हो जाएंगे। अब एक्सपर्ट आपसे पूछेगा कि ये दोनों पद प्रधान का क्या अर्थ है, कौन से हैं दो पद, ये प्रधानता शब्द से क्या मतलब है आपका। तो यहां हम बताएंगे कि किसी भी समास में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। मान लो हमारा एक एग्जांपल है गंगा जल, यहां दो पद हैं, ये कहलाता है पूर्व पद और ये कहलाता है उत्तर पद। प्रधानता का मतलब ये है कि किसी समास में पूर्व पद मुख्य माना जाता है कि इस शब्द की प्रधानता है, इंपॉर्टेंस पूर्व पद की है या उत्तर पद की है या दोनों पदों की है और या फिर इन दोनों को छोड़ करके किसी अन्य पद की प्रधानता है। सर इसी महोदय इसी आधार पर हमारे समास के चार भेद हैं। द्वंद समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता है। जैसे ये तो तत्पुरुष समास का उदाहरण है गंगा का जल। समास में दो चीजें होती हैं, एक होता है समस्त पद और एक होता है विग्रह। समस्त पद यानी इकट्ठा जुड़ा हुआ शब्द है वो एक लाइन के अंदर, जैसे गंगा जल ये हमारा समस्त पद है। और जब हम इसको अलग अलग कर देंगे अर्थ के आधार पर उसको तोड़ के लिखेंगे तो वो कहलाता है समास विग्रह, गंगा का जल। तो ये हमने विग्रह कर दिया। तो यहाँ गंगा हमारे लिए प्रधान नहीं है, गंगा का जल प्रधान है। तो इसलिए उत्तर पद की प्रधानता होती है जिसमें वो तत्पुरुष समास होता है, द्विगु में कर्मधारय में सब में उत्तर पद की प्रधानता है। द्वंद में दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे सुख दुख, सुख दुखे दोनों पद की प्रधानता है, दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है और बहुव्रीही समास में दोनों पदों को छोड़कर अन्य अर्थ की प्रधानता होती है। जब आप ये सब बता रहे होंगे तो आपसे बीच में ही किसी का भी एग्जाम्पल पूछ सकते हैं कि अव्ययी भाव समास का कोई उदाहरण बताइए, बहुव्रीही समास का कोई उदाहरण बताइए। तो इस तरह से इससे ज्यादा आपको समय पढ़ाने के लिए नहीं मिलेगा, मुश्किल से आपको 8 मिनट 7 मिनट इतना टाइम देते हैं वो। इतने में ही आपको दिखा देना है कि हमें पूरा ज्ञान है जो मैंने टॉपिक चुना है। जिस टॉपिक को आप पढ़ाने के लिए चुने उसकी पूरी जानकारी रखें, ऐसा ना सोच कर जाए कि मैं तो द्वंद समास पढ़ाऊंगा या पढ़ाऊंगी और द्वंद समास ही मैं तो लिखूंगा, वहां तक तो आपको पहुंचने ही नहीं देंगे। ठीक है, तो इस तरह से यदि आपको समास के बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो इसी चैनल पे बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं, प्लेलिस्ट में जाइए, ग्रामर में सभी टॉपिक्स दिए गए हैं, आप पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।